Hi everyone, good evening and welcome to the session. Okay, session le rahe hain hum log, kind of. Okay, so what we are going to discuss in today's session, everyone, aise hi main introduce karti hun, my Baiju's students. Okay, so in this part, we are going to discuss something about in the previous video that I have mentioned, that what kind of a link emotional values, how I overcome to the stress level that I had, right? Koi support nahi tha mere paas, really. My family was one call away, one text away, but still, there is something like that ki kuch pass hota, kuch saath hota mere. At that time, ऐसा नहीं था कि बहुत दूर थी मैं. It was 250 किलोमीटर डिस्टेंस ओनली. बट मेरे पेरेंट्स आते भी थे मुझसे मिलने, मैं भी जाती थी. बट वो चीज़ नहीं बन पाई जो मैं 5 साल में, लाइक हाउ आई हैव, आई डोंट नो मेरे साथ क्या होता था. बट आई वॉज, आई टोल्ड यू, मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ घर में, क्योंकि एवरी वन, माई ग्रैंड मदर, माई दादी माँ वॉज लाइक, बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, कहीं बाहर ना जाए, शी इज़ लाइक. तो ऑफ कोर्स दे आर, दे हैव देयर ओन रीजन एज वेल कि इस चीज को लाइक उनको भी बहुत प्रोटेक्टिव थे वो मुझे सब, आज भी हैं नो डाउट, प्रोटेक्टिव थे एज वेल. सो इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस और वो गट्स नहीं आ पाए जो एक किसी भी प्रॉब्लम को और उसको फेस करने के लिए चाहिए होते थे, राइट? और मेरे घर में देर वॉज अ नो काइंड ऑफ अ सिस्टम वेन कि एक देर इज अ ट्रांसपेरेंसी घर में, क्योंकि एवरी पर्सन हैज समथिंग कॉमन इन देयर होम. उनको घर की सर्कमस्टांस, सिचुएशन पता होती है. किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के घर में कोई इशू होता है, होता जरूर है बट होता है, वो उनको ही पता होता है जिनको घर में प्रॉब्लम्स होती हैं. सो एक घर में ट्रांसपेरेंसी थी, देखी है घर में, तो शुरू से अपब्रिंगिंग भी वैसी हुई है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की, नो छुपाना, छुपी छुपी एंड काइंड ऑफ, वो चीज बॉन्डिंग कभी नहीं थी हम लोगों के बीच में. एंड अगर कोई छुपाता है, झूठ बोलता है, वो चीज मुझे बहुत हर्ट और पिंच करती है, और एक्सट्रीमली करती, क्योंकि मैं हर चीज को लेके इतनी डीप चली जाती हूँ. कोई मूवी देख रही हूँ तो डायलॉग्स ऐसे याद होते हैं, ऐसे याद होते हैं, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, बहुत जल्दी लर्न हो जाता था. ये डिपेंड करता है हर किसी के उस पर, कौन कितना किसी को डीपली ले जाता है. बट मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ लेसन्स एवरी डे, वही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ. वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, बताऊंगी अपनी जर्नी कैसे कोप अप किया, सो दैट आपको भी उस चीज के लिए आई होप हेल्प मिले, आप रिलेट कर सकें उस चीज को. एंड सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट द सेल्स डिपार्टमेंट जॉब, राइट? उस चीज के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को. और थर्डली आई विल डिस्कस हियर कि जो लोग जॉब्स के लिए वेट कर रहे हैं, इट्स ओके, उसके लिए मैं बात करूंगी. तो थ्री फेजेस में वी विल टॉक टुगेदर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर विद माई, स्टार्ट विद माई दैट एज वेल. मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है घर में, तो बहुत क्लियर जोन है आपस में कॉन्वर्सेशन का, हम सब का. कोई भी चीज पसंद है, नहीं पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्डली मुंह पे. एंड इट्स लाइक कि ओके, अच्छा है इसमें, इसमें बुरा क्या है. बट एवरी पर्सन इज नॉट लाइक दैट, एवरी फैमिली इज नॉट लाइक दैट. हर किसी के सर्कमस्टांसेस उन्हीं लोगों को पता होते हैं जो प्रैक्टिकली फेस कर रहे होते हैं इस चीज को. बट जब मैं बाहर जा रही हूं रहने के लिए 4 लोगों के साथ, मैं एक फैमिली की तरह रह रही हूं, राइट? जो कभी भी घर से बाहर ना ही निकला है लाइफ में, उसके लिए ये चीजें मेरे लिए हर्डल थी, और अब नहीं है क्योंकि अब मैं रहकर आई हूं. आई गेस अगर स्टडीज में अच्छी थी तो पेरेंट्स को भी था कि नहीं, बाहर से ही करवाना है, लोकल नहीं करवाना है, स्टडीज है, एवरीथिंग, जॉब एंड ऑल. सो उस चीज का मेरा जर्नी जब स्टार्ट होता है इन 2015 व्हेन आई टुक द एडमिशन, जैसे घर से पांव रखा बाहर, राइट, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट विद इन अ मंथ इन जुलाई. सो बाहर पैर रखती गई, और जैसे घर वापस आई हूं 5 साल के बाद, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई थी मेरी. मुझे कोई होमसिक नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. होमसिक तभी हुई, बाहर कोई सपोर्ट नहीं था, इसीलिए आई गेस यही रीजन है, खुद हैंडल नहीं कर पाई. और बाहर जाके मैंने ये चीज सीखी कि किसी से कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए कोई खड़ा होगा, आपके लिए कोई स्टैंड लेगा, नहीं, आदत डाल लीजिए, बाहर जाना है, अगर कहीं पे भी जाना है, नहीं जाना है, डोंट एक्सपेक्ट.
एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन द लाइफ, फ्रेंड्स एंड ऑल. मैं नहीं बिलीव करती इन सब में. बहुत रेयर होता है कि फ्रेंड्स आपके बनेंगे. मैं ये मानती हूँ कि मेरा बहुत छोटा सर्कल है. सर्कल क्या, मैं नहीं मानती कि मेरा कोई रूटीन आउटिंग सर्कल है और जिनके साथ मैं आउटिंग पे जाती हूँ रेगुलरली. वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नो फ्रेंड सर्कल. ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं है या क्या काइंड ऑफ है. एंड आई हैव जीरो गिल्ट ऑफ दैट. मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं क्यों बाहर क्यों नहीं जाती हो, घूमने फिरने क्यों नहीं जाती हो, ये क्यों नहीं करती हो, वो क्यों नहीं करती, नहीं मन करता. काम मेरे को मेरे काम से प्यार है. व्हाट आई डू, टीचिंग पैशन है मेरे को वो सारा दिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है, आई एंजॉय विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम लोग जाते हैं जब भी घूमने फिरने, चंडीगढ़ डिनर के लिए जाते हैं, मूवी के लिए जाते हैं रेगुलरली बेसिस पे, थिएटर में देखना, यही पसंद है करना. जो पसंद है वही करते हैं, राइट. पैसा शॉपिंग करने का मुझे बहुत शौक है, अब वो कम हो गया क्योंकि घर पे लाइक देर इज नो यूज ऑफ परचेजिंग ऑल द क्लॉथ्स एंड कहाँ पहनूंगी. सूट्स पहनने का, ट्रेडिशनल पहनने का मुझे बहुत शौक है लिटरली. तो फूडी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, सो बट साइमल्टेनियसली मैं अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखती हूँ इस चीज़ के लेके, क्योंकि वेरी इंटरकनेक्टेड है. मुझे पता है अगर ज़रा सा मैंने स्ट्रेस लिया, मेरी सीधा डायरेक्टली हेल्थ इफेक्ट करती है उस चीज़ के लिए. स्टमक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आई होप यू कैन रिलेट दिस. सीधा एसिडिटी की इशू कनेक्ट होता है और सीधा स्ट्रेस लेवल. जिस दिन मेरे को लगता है कि मैं थिंकिंग, मेरी ओवर थिंकिंग हुई है, मैंने कुछ बात को, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बना दिया है, बना देती हूँ मैं खुद ही, और खुद ही सफर करती हूँ. मुझे पता है अल्टीमेटली मेरे साथ क्या होता है, तो वो हेल्थ मेरी इफेक्ट करती है उस चीज़ को लेकर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. पता भी है कि क्या प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी पता है कि हाँ. बट ऑफकोर्स बहुत चीज़ें होती है लाइफ में जिनका कंट्रोल नहीं है, बट मैं कर रही हूँ कोशिश. यू ऑल्सो डू वन थिंग. इस चीज़ को मैंने कोप अप करने के लिए मैंने एक चीज़ बताई, जैसे मैं घर बाहर गई ना, घर से बाहर मैंने पैर रखा, मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी. एक मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कुछ होता है लाइफ में आपके ऊपर, इफेक्ट ऐसा स्टार्ट हुआ कि जैसे मैंने घर से बाहर पैर रखा, मेरी प्रॉब्लम्स विद इन अ मंथ स्टार्ट होती गई. लिटरली आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस. और कब खत्म हुई, जैसे ही मैं घर वापस आ गई. बाहर रहते ही मैंने क्या क्या सीखा कि किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. जब डिपेंड रह रही थी तो बहुत हर्ट हुआ, कि जब मैं हर किसी की हेल्प कर रही हूँ, मैं हर स्टेप में आगे खड़ी हूँ, हेड बन रही हूँ हर चीज़ के लिए, सपोर्ट कर रही हूँ फाइनेंशियली एवरीथिंग, क्योंकि मेरे घर से फाइनेंशियली इश्यूज नहीं है, टच वुड कोई भी इश्यूज नहीं है इस रिलेटेड. मेरे फादर ने मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए, बढ़ चढ़ के ही किया है. सो कभी भी एवरी पेरेंट डज, हर पेरेंट करते हैं मैं ये मानती हूँ कि, बट मेरे पापा के साथ मेरा बॉन्ड एज अ दोस्ती का है. वो फादर डॉटर वाला बाद में आता है, बट पहले हम एक, आप कभी भी, आपको मैं शो करूंगी हमारी कॉन्वर्सेशन, और कभी हमारी, हम बहुत मैच्योर कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, बहुत करते हैं ऑफ कोर्स. एंड हमारा बचपना दोनों का ही, ही इज 53 एंड अप्रोक्सीमेटली आई विल से आई एम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज एज. सो बचपना चलता है हम दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बन जाते हैं एंड चाइल्डिश वे, किडिश वे हमारा वापस आ जाता है, तो इट्स कूल विद बोथ ऑफ अस. सो इस चीज़ को लेके मैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेंटली इमोशनली. मैं रोती थी, आई रियली क्राई, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ. मुँह मेरा फेस रेड हो जाता था जब मैं रोती थी, और कभी वॉशरूम में रोती थी, कभी अकेले रोती थी, कभी मॉम डैड के साथ फ़ोन पे रोती थी, कभी बहुत फेजेस रहे हैं क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी. मुझे ऐसे लगता था कि समवन मेरी चुगली कर रहा है, कोई मेरे मुंह पे करे, कोई भी करे. आज मुझे ये है, एट दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग दैट मच गट्स. सो लोग बहुत अजीब मिले हैं, मैं ये भी मानती हूँ कुछ मेरे भी फॉल्ट रहे हैं. मैच्योरिटी नहीं दिखाई, मैच्योर नहीं थी एट दैट टाइम, क्योंकि 12th क्रॉस की है तो आपने ऐसा एटमोसफेयर नहीं देखा, तो वो मेरी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट थी. सो आई वॉज इन अ फोर सीटर रूम. आप सोचिए, तीन लोग हैं आपके साथ अलग, तीनों मेंटेलिटी अलग, तीनों की प्रायोरिटीज अलग, तीनों की पसंद नापसंद अलग, चार हो गए ना मेरे को मिलाकर. मेरी पसंद किसी के साथ मिलती ही नहीं थी अनफॉर्चुनेटली. और जितने भी साल मेरे बाद में गए हैं ना, थोड़ा टाइम होता था देन किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम रहता था, एक दो महीने रहते थे साथ अच्छे से, बहुत अच्छा रात को या ईटिंग मैगी मैक्रोनी एवरीथिंग, थोड़ा टाइम होता था, थोड़ी ना थोड़ी कोई अड़चन कोई प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि बनी नहीं वो बॉन्डिंग, वो ट्यूनिंग, वो वाइब्स ही नहीं आई आपस में. देन
मैंने सोचा रूम चेंज किया जाए, नो सोल्यूशन वॉज अल्टीमेट. अगर रूम चेंज करते तो पीजी में सारा दिन दिखती, राइट? वो कॉन्फिडेंस नहीं है. और आज अगर आ जाए सामने कोई, तू है कौन, राइट? तो लिटरली टाइम होता है हर चीज का लाइफ में. तो ये फेज देखा, उस चीज का डिप्रेशन बढ़ता गया और हेल्थ इफेक्ट होती गई. दूर भागती थी मैं इस चीज से, हाय वो दिख ना जाए, दिख गई तो मैं आज मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी, लिटरली. तो दिस फियरफुल जर्नी, फियरलेस जर्नी इज अमेजिंग, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आप सबके साथ शेयर करूं. अगर मैं आपकी कोई सपोर्ट कर सकती हूँ हेल्प में, डू मेंशन इन कमेंट्स. जॉब रिलेटेड आई एम देयर फॉर यू. कृतिका विल शेयर विद द ईमेल आईडी, राइट? एंड द सेकेंड फेज आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, मैंने अपनी लाइफ को कैसे कोप अप किया, ओवरकम किया. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, आप जिनको ट्रेडिशनली स्पिरिचुअली मानते हैं, मेरा वहां से फेज स्टार्ट हुआ जब मैंने अपना गुरुद्वारे में मानना स्टार्ट किया. चंडीगढ़ पंजाब एरिया था तो मैंने सोचा कि स्टार्ट किया जाए. जैसे घर आई ना वापस, माय फादर टोल्ड मी कि यू शुड गो टू टेंपल. आई वाज लाइक, क्या बोल रहे हो यार, ये सब चीजें होंगी, अब मैं इतनी परेशान हूं, ये चीजें कैसे फेस होंगी, ये चीजें थोड़ी एक दिन में. मुझे इंस्टेंट अफेक्ट चाहिए था, दो अभी के अभी घंटों में ठीक करो प्रॉब्लम. आई एम लाइक दैट, पेशेंस लेवल जीरो, बिल्कुल बिल्कुल. बट कुछ ऐसा था कि मेरे को पेशेंस मिला, पावर मिली. डेली आई गो टू टेम्पल, गुरुद्वारा रेगुलरली जाती हूँ. और सच्चा फेथ है, प्योर फेथ है, प्योरिटी है इस चीज को लेके कि यू कैन ट्राई दिस. बार बार अगर आपको कुछ और नहीं आता है, पाठ करना, पूजा करना नहीं आते, स्टार्ट गायत्री मंत्र. इफ मंदिर जाना पसंद करते हो, जहां पे भी जाना पसंद करते हो, ट्रेडिशनली डू दैट. सो मैंने ये चीजें करनी फॉलो की. एंड बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ, प्रोफेशनली, पर्सनली, एंड वॉट एवर रिलेशन यू हैव इन योर लाइफ विद एनी वन, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथ ऑलवेज. सच के सच हमेशा बोलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ. ऑलवेज सो ऑनेस्ट रहोगे तो मस्त रहोगे. मस्त रहना भी सीखा मैंने इमोशनली, कि थोड़ा सा मुझे लेट इट गो सीखना पड़ेगा. और इस चीज को मुझे फेस करने के लिए यही हेल्दी वे है मेरे लिए. तो मैं कर रही हूँ कोशिश अभी भी लेट गो करना, बट उतना नहीं लेट गो पर कर पाती, लेकर बैठी रहती हूँ अभी भी. बट स्टिल आई एम ट्राइंग द वेल. हर इंसान एक जैसा नहीं होता है लाइफ में. बहुत लोग कहते हैं माई फादर टोल्ड मी, उसको आगे पास किया कर बात को, एक कान से सुना कर दूसरे के मत सुना कर. मुझे होता है ये क्यों ना सुनूं मैं, उसने ऐसा बोला कैसे, मुझे बोला कैसे, मुझे ऐसे होता था बार बार. पिंच करता है, हर्ट करता है. तो सिमिलरली ये ट्रेडिशनल एंड वर्शिप वेज आपको हेल्प करेंगे इस चीज को करने के लिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई टोल्ड यू दैट आई हैव टेकन मेडिसिन एज वेल. मेरे डॉक्टर ने मुझे ये चीज बोली, मैंने डॉक्टर से पूछा ये मेडिसिन मेरी कब बंद होंगी. ओके, सो माई डॉक्टर टोल्ड मी कि कि ये मेडिसिंस जब तक आप अलाइव हैं तब तक चलेंगी. माई फादर एंड पेरेंट्स वर टेंस्ड अबाउट टू नो दिस, कि ये एवरी डे मेडिसिन खाएगी. सो मेनी मेंटेलिटी. आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल. हर पेरेंट को होता है कि शादी करनी है आगे, कैसे होगा कैसे होगा, राइट? आई एम स्टिल नॉट मैरिड वेल. सो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मैं हर टाइम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती. मेरे को स्ट्रांग बनना है, ये है वो है. सो डॉक्टर सेड वन क्योर, जब तक लाइफ में अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, इतना एंगेज करना पड़ेगा अपने आप को कि बॉडी थक जाए. इतना थका लो अपनी बॉडी को, इतना टायर्ड कर लो काम की वजह से, कोई भी काम, जॉब और एनीथिंग इन लाइफ, वॉट एवर, बिजी रखना है. बिजी रहने का मतलब बिजी, दैट्स इट. टाइम ही नहीं होना चाहिए. वो चीज आपको डाइवर्ट करेगी आपके स्ट्रेस से. और ये एक दिन में नहीं होने वाला है या एक महीने में नहीं होने वाला है. मेरे को तीन से चार साल लगे हैं इस चीज को करने के लिए, और तभी बेटर हो पाया है. और हर दिन हर घंटा इसी चीज से बेटर हुआ है कि मैं थोड़ा वर्शिप वाली साइड गई हूँ, ट्रेडिशनल वाली साइड गई हूँ, और वहां से मैंने पीस ढूंढा है. प्लस रेगुलरली मैं जो भी मानती हूँ, पर्टिकुलर जिस भी हिंदू मंदिर गुरुद्वारा, हर रिलीजन को फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ है तो मानती हूँ, तो ऑनेस्टली उस चीज को भी अच्छे से कोप अप किया है. प्लस हर चीज को ऑनेस्टी से फेस किया है मैंने. प्लस इसको टाइम लगेगा. अगर रोना आता है तो रोइए, बाहर निकालिए उसे. और मेरा एग्रेशन, गुस्सा रोने में निकलता था. इफ इट इज अ सिम्टम फॉर यू, यू कैन ट्राई दिस. बहुत चीजें सेंसिटिव और इमोशनल थी मैं,
और थोड़ा थोड़ा आज भी हूँ, नो डाउट देर इज सम कनेक्शन. एंड इस चीज़ को फेस करने के लिए ये रेमेडीज मैंने सोचा कि मैं आई विल डिस्कस विद यू. विदाउट मेडिसिंस, डू नॉट गो फॉर मेडिसिंस. मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप जाइए, कुछ भी नहीं है इस चीज़ को लेकर. सिर्फ हम खुद इशू बनाते हैं, ओवर थिंक करते हैं. आई नो मेरा फेज खुद का प्रैक्टिकली ऐसा गया है. तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए बिजी रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. और बिजी एक महीने में, एक हफ्ते में नहीं रहा जा सकता है, इसको टाइम लगेगा. तो आई हेल्प यू इन दैट फॉर श्योर, डोंट वरी फॉर दैट. ओके, एंड एवरी वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्स के लिए जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, सेल्स का पार्ट जो जॉब रिलेटेड है, ठीक है, वो उस चीज के अंदर, इफ एनी पर्सन इज गुड इन मार्केटिंग सेल्स वाला पर्पस के लिए, अगर आप हैं अच्छे से, तो आप वो चीज को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वी हैव रिक्वायरमेंट, सो डू सेंड मी योर रिज्यूमेज. मैं ईमेल आईडी कृतिका को बोल दूंगी कि वो उसमें पोस्ट करेगी, राइट, एंड वी विल डेफिनेटली शेयर विद डायरेक्ट टीम फॉर दैट. ओके, फॉर श्योर. एंड एवरी वन, ट्राई टू लिव इन अ होप. जैसे ही आप किसी भी चीज को शिद्दत से मानेंगे, फेथ रखेंगे, जहां पे भी फेथ रखेंगे, ठीक है, टाइम लगेगा और थोड़ा सा नहीं, बहुत पेशेंस लगेगा इस चीज को फेस करने में. और ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एंड ये चीजें जो मैंने ओवरकम की, मैंने आपको बताया, इस चीज को अंदर मत रखिए, बाहर निकालिए. अंदर रख रख के वो चीज बढ़ेगी, वो हॉलो और करेगा आपका अंदर का. एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन इन लाइफ एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. आई यूज द वर्ड एक्सेप्ट योर पेरेंट्स विच आर योर परमानेंट सपोर्ट. कोई भी साथ नहीं देगा, ट्रस्ट मी. मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस ने, मैंने आधी से ज्यादा दुनिया देखी है, अभी तक देख रही हूं, राइट, तो कोई भी नहीं मिलेगा. डोंट एक्सपेक्ट, मिले तो वेल एंड गुड, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. एक्सपेक्टेशंस हर्ट करेंगी और कुछ नहीं करेंगी, सिंपल इन लाइफ. सो दिस इज अ पॉजिटिव, नो इश्यूज, बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. और इसको फॉलो करिए, इम्प्लीमेंट करिए जितना हो सकता है. और स्टैंड करना है खुद अकेले, मैंने खुद किया है. मेरे को आज किसी की जरूरत नहीं है, टचवुड, मतलब कि मुझे कोई इमोशनल सिंपथी दे, मुझे आए मेरे हाथ पकड़े और मेरे को कहे कि नहीं सब ठीक, आई डोंट नीड एनी वन. माई पेरेंट्स आर देयर विद मी ऑलवेज. मेरी मॉम मेरी काउंसलर हैं आज भी, ठीक है, मैं हर चीज आई कैन ट्रस्ट. सो हैव अ पर्सन इन योर लाइफ जिसपे आप 100% 200% ट्रस्ट कर सकते हैं. ओके, सो we'll see you and I'll get all the resumes from you and we'll start with that as well. And most important, I forgot to tell you, this is a tip from my end, everyone, jin logon ki selection interview jobs, chahe Byju's ho, first of all I am in Byju's, main talking baat hi Byju's ke bare mein karungi. First of all, very important, a good resume मैं चेक करूंगी पर्सनली. कौन सा रिज्यूमे मुझे भेजिए, मैं बताऊंगी. अभी फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट, वी हैव सेल्स स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट मेंटोर, जो कि उनका काम ये है कि स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्ड करना, कनेक्शन बिल्ड करना, उनको क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कौन सी क्लास कब होगी, अगर कोई डाउट क्लास में टीचर के अलावा रह जाता है तो वो मेंटोर की ड्यूटी है. सो मेंटोर के लिए पर्टिकुलर, इफ यू हैव अ साइंस मैथ्स बैकग्राउंड, गुड बीकॉम लाइक दैट टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लग रहा है, तो यू कैन डू विद दैट स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट. इंग्लिश वैकेंसी, मैथ्स वैकेंसी फॉर एकेडमिक स्पेशलिस्ट, ऑन द सेल्स वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द टॉप ऑफ टू नाउ. ओके, सो एवरी वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई टोल्ड यू ऑल द वेज एंड डिफरेंटली, रेज्यूमे, गुड रेज्यूमे, देन विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट फॉर द वीडियो. वीडियो कौन सा भेजना है Byju's के अंदर, कैसे बना के भेजना है, विल डिस्कस विद यू दैट एज वेल. कैसे वीडियो बनाना है, देर इज नो रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में विल डिस्कस. एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होंगे. मेक श्योर डू नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस वे. आई हैव हर्ड मैम क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होगा,
डिपेंड करेगा कि आपको क्या टॉपिक मिल रहा है, एंड सारे टॉपिक्स आपको ऐसे टिप्स पे होने चाहिए. कहीं से भी कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बेसिक क्वेश्चन 100% विल बी देयर इन सीबीएसई, हाई लेवल ट्रिकी क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम आईसीएसई लेवल. सो मेक श्योर, दिस इज अ हिंट फ्रॉम माय एंड, एंड विद द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एवरीथिंग एकेडमिक पार्ट सॉर्ट ऑफ दैट. डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू नो. रियली रियली बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई इमोशनल वैल्यूज. एंड आई श्योर कि आपको और मैं शेयर करूं इस चीज का इम्प्लीमेंट करने का. ट्राई करना, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज के लिए, तभी हो पाएगा. ओके, ऑल राइट, बाय बाय.